तो हे गाइस वेलकम अगेन, दिस इज जंबो सिंह और हम लोग आ गए जयगढ़ फोर्ट। ये रहा इधर लिखा पड़ा जयगढ़ फोर्ट। यहाँ बाइक पार्क किए हैं टेम्परेरी में, अंदर पार्किंग करनी है जो कि यहाँ पे अंदर पार्किंग लगेगी, उसकी 20 रुपये अलग से चार्जेस लग रहे हैं। तो अभी हम लोग कुल्फी खा रहे हैं केसर वाली, उसके बाद फिर चलते हैं। और यहाँ पे जो चार्जेस लग रहे हैं टिकट का वो है स्टूडेंट वाले, जो हम लोग स्टूडेंट आईडी दिखाएंगे तो 75 रुपीज़ लगेगा। और कैमरा अगर हम अपना ट्राइपॉड वाली शूटिंग है 200 रुपीज़। और बाइक पार्किंग है 20 रुपीज़। तो हम फ़ोन से शूटिंग कर लेंगे तो कैमरे का बच जाएगा, और बाकी स्टूडेंट आईडी दिखा के ऐसे कर लेंगे, वरना 150 रुपये ऐसा एडल्ट का। तो चलो चलते हैं अंदर देखते हैं क्या सीन है। तो हमारे फिर से 20 रुपये पार्किंग के लगे हैं, और ये रहा हमारा टिकट 225 तीन पर्सन का, 75 रुपीज़ पर इच। ये रहा है रेट यहाँ पे पूरा। सो गाइज हम लोग आ गए जयगढ़, और इधर से अपनी एंट्री थी और उधर आके जाना। बाइक ले जाना अंदर अलाउड नहीं है, अगर आपके पास कार है तो आप लेके जा सकते हो, इफ़ यू हैव अ कार यू कैन गो, नॉट अलाउड बाइक्स। तो हम लोग इधर से पैदल ही जा रहे हैं अंदर, और फिर देखते हैं पूरा सही है, पूरा घूम लिया जाएगा पैदल पैदल ही, और क्या ही कर सकते हैं। तो ये पूरा जयगढ़ है, जयवान कैनन यानी कि तोप इधर है, इधर साइड में तोप है, और इधर साइड अभी जाना है। तो अंदर जाके बस वहीं पे पार्किंग हो जाएंगी सारी। तो ये रही कुछ बैक के वॉल जो लगे हैं, सारा कुछ अच्छा है पूरा। और ये दोनों मेरे दोस्त, और कैसे आप लोग? और यहाँ पे भाई ठंडा। Slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, 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 go. तो भाई ये पेप्सी आती है 20 की, यहाँ मिल रही 30 की। ये रहा शॉप। तो हमारी अब एंट्री, ये रही मेन के एंट्री गेट्स। यहाँ पे ये चीज़ें है, ठीक। पैलेस कॉम्प्लेक्स, इंटरेस्टिंग प्लेस टू सी, तो आप लोग पढ़ लेना, ये सब बोरिंग लगता है यार समटाइम। अब इसके बाद फिर हमारी इधर की एंट्री। भाई हम लोगों ने ये ऑर्डर किया पनीर पराठा 120 तीन, और बाकी इतने बड़े बड़े रेट है, कुछ कहने को नहीं और समझ में नहीं आ रहा कभी क्या ही खाया जाए। तो ये सारे रेट्स हैं तो सही है। तो भाई साहब अपने ऑर्डर कर दिया है, आके खा लेते हैं, 4 तक हो जाएगा, उसके बाद 2 आवर्स अपने पास टाइम है यहाँ पे घूमने के लिए, उसके बाद निकल के नारगढ़ फोर्ट भी घूम लिया जाएगा आधे घंटे में, उसको निकल लिया जाएगा। कुछ ऐसे जगह पे आए हुए हैं हम लोग, यहाँ पे नीतीश अपना फ़ोन चला रहा है, और हमारा आ गया पनीर पराठा, खाते हैं पनीर पराठा, देखते हैं कैसा लगता है। मेकिंग तो अच्छी लग रही है, विद पिकल्स। गुड। तो हमारा 330 का बिल आ गया, अपना हो गया लंच डन, अब घूमते हैं। सो भाई हम लोग आ गए आर्मशास्त्र और मंदिर, मंदिर आ गए, ये रहा आर्मशास्त्र प्रवेश। यहाँ से, और ये रहे तोप जिसका फोटो आप लोग लेवा सकते हो, या किसी वस्तु को। तो ये पूरे आर्मशास्त्र रखे हुए, मतलब कि जो जो चीज़ हाँ यूज़ किए जाते थे वो चीज़, कट्टा मट्टा ये सब, तोप वोप, जैसे ये रहा ये आमर, ये आप बाहुबली की मूवी में भी देखे होंगे ये पहन के लोग। हाँ बाहुबली मूवी में भी तो ये पहने था ना जैसे। और ये रहा तो सही है। आई नो आप लोग को थोड़ा इको समझ में आ रहा होगा, तो इसके लिए सॉरी इको। बाकी ये है कढ़ाई और ये सब, और ये भी कुछ है।
अब इधर आ गई AK-47, ये AK-47 तो ये रही अपने AK-47। उस समय में पता नहीं क्या नाम रहा होगा, बट इस जमाने में तो हम लोग AK-47 ही चलाते हैं, तो वही कह रहे हैं। और उसके बाद अनदर स्नाइपर, नहीं स्नाइपर ही है। और ये रहा त्रिशूल, ये तलवार। तो पहले ज़माने में जब लड़ाई वड़ाई होती थी तो कुछ ऐसे नहीं होते थे। ये रहा कैनन बॉल जो कि फेंक कर मारा जाता है। और ये रहा, हाँ, और ये रहा अपना वो एक अनदर, आप लेकर जाओ पोर्टेबल और मारो। ये रहे टाइम बॉम। अब इधर साइड मंदिर है और ये पूरे केले के बागीचे लगे हुए हैं, मतलब केला बोया गया है, ठीक है। और हमारे यहाँ श्री राम जी के मंदिर यहाँ पर है, चलना शूज उतार के चलो। अब इसके बाद आगे चलते हैं, फिर इधर से मंदिर श्री काल भैरव। इधर मंदिर है और इधर अलाउड नहीं है जाना के लिए, नो एंट्री। और आई थिंक इमारतें भी पुरानी हो गई है इसलिए भी। अब हम लोग इधर जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं इधर, कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। तो अब हम जा रहे हैं आगे की ओर, आगे देखते हैं और क्या आगे। फॉरेनर्स भी हैं, वाह, काफ़ी लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। ये रहा गुल्लर के पेड़ भाई नितेश, ये पेड़ गुल्लर जानते हो आप? तो पैलेस कॉम्प्लेक्स महल क्षेत्र और सुबात निवास है। और हमारी इसकी एंट्री होगी यहाँ पे। ट्रो पेशोलिन, ये कुछ है, ओके। तो ये स्टार है सुबात निवास। हाँ भाई एक मिनट, ये अपना 360 व्यू। अब हमारा यहाँ का फोटो सेशन हो गया स्टार बाबा का। और ये कुछ पैलेस है, अब इसके अंदर जाने के लिए इधर से रास्ता, इधर चलते हैं। एक चीज़ हमें समझ में नहीं आती कि हम लोग जैसे सब कुछ देखते हैं ये वो, इन लोग का रहते कहाँ होंगे, मतलब ये सारे पैलेस। हाँ बाहर होकर जयपुर की तरफ रहते नहीं, तो जैसे जो राजा महाराजा है तो वो सोते कहाँ होंगे उस टाइम पे, वो राजा लोग। क्या काफी, हाँ तो महल है। तो ये जैसे अब हम लोग खंडर खंडर देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे रूम कहाँ है, तो रूम कहाँ, इसके उधर तो खुला पड़ा है। इधर साइड से कुछ दरवाजे हैं जो कि लॉक पड़े, और केले के पेड़ हर जगह लगे हुए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं खाली बात निवास लक्ष्मी विलास, ठीक है। ये रहा लक्ष्मी विलास में और खाली बात निवास, चलिए ये भी घूम लेते हैं सब जगह। और अगर आप लोग को इसका मतलब ऐसे चाहिए व्लॉग कि हम सारा कुछ बताएं कि कहाँ पे क्या था क्यों था, तो आप लोग बता देना, हम वीडियो बना देंगे। ओह मिल गए, तो ये सारे रूम्स हैं। और पहले जमाने में ये लॉक्स नीचे लगा करते थे और वो हॉल थे, और हमारे यहाँ ऊपर। ओके, तो ये पूरा घूमने के लिए हो गया। और एक बड़ा सा पेड़, ज़्यादा पुराना तो नहीं लग रहा ये पेड़, ललित मंदिर है ये। तो यहाँ पे मंदिर है। अब इसमें जा रहे हैं अंदर, अंदर एंट्री इधर साइड, अंदर चलते हैं। ये तो भूतिया लग रहा है, आगे से ऐसे अंदर चलते हैं। वाह, अब जाके रूम सूम्स टाइप के थोड़े थोड़े आ गए, दिखाई दे रहा हूँ आपको। और हम लोग आगे जा रहे हैं। यार यहाँ पे गद्दा उद्दा लगाओ, बैठो, बैठा जाए, आराम किया जाए, और क्या करना है। रॉयल डाइनिंग कॉम्प्लेक्स, चलिए खाना खाने हम लोग भोजनालय करने जा रहे हैं।
रॉयल लोग रॉयल खाना खाएंगे, कहाँ खाएँ रॉयल खाना खाने के लिए, ये व्यवस्था है। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए भी जगह है, ये इन लोगों ने लॉक कर रखा है। और यहाँ पे भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है, एक तरीके से भूल भुलैया ही समझ लीजिए आप लोग। हाँ, एंट्री एग्जिट ऐसे ही कुछ करके जो पॉइंट है। अब आगे चलते हैं, सीढ़ी ऊपर जाने का बट ताला लगा है। हाँ, वो ताला लगा दिए, ये अब में बनाया गया है। और यहाँ पे आई गेस नृत्य होता रहा होगा। तो हम लोग नॉर्मल इंसान है यार, वो राजा। अब जैसे देखिए क्या दिखा रहा आपको, तो अभी हम लोग और आगे चलते हैं, इधर उधर इधर उधर भूल भुलैया टाइप का करते करते। और यहाँ पे हम लोग कहीं और जगह आ गए, और अंदर जाना है उधर। नहीं, सो नीतीश अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं इधर से इधर, मतलब आप लोग को सेम ही दिख रहा होगा आई गेस, सो क्योंकि लगभग लगभग सब सेम ही टाइप के रहते हैं, बस ये थोड़ा थोड़ा अंतर है और कुछ जगह थोड़े थोड़े टाइप के भूल भुलैया है, तो वो अलग बात है। हमारे मेन मॉडल जा रहे हैं ऊपर और हम लोग इनके साथ साथ जा रहे हैं। भाई साहब ये कुछ इन्होंने खास देख लिया, क्या देख लिया आपने? हाँ यार मस्त है भाई, कितना बड़ा है यार। अभी आप लोग देख रहे होगे, अभी ये पूरा खाली ही पड़ा है, तब नहीं घूमता। तो ये एक व्यू है जो अभी घूमना बाकी रह गया, और ये तो रह ही जाएगा क्योंकि इतना गट्स नहीं है कि हम लोग घूम पाए, या फिर इसको घूम सकते हैं हम लोग फिर से उधर से गाड़ी पार्क करके उधर आके। अब इधर भी हम लोग देख लिए, आराम से नीचे उतर के चला जाए। पता अब इधर जाने के बाद इधर भी देखते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं सीधा हम लोग बैक। ओ वाह, ये वाला फोटो हम देख रखे थे उसमें गूगल मैप पे, और वही अभी का आया, तो दिखाते हैं ये। ठीक है, बेस्ट है ना, आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, सॉरी अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। और ये इधर का सीन हो गया सारा कुछ, हम लोग को उधर जाना है तो जा सकते हैं नितीश, वो वहाँ पे वो जो पिलर्स हैं जा सकते हैं, तो चलते हैं, अलाउड है। हाँ यार, नहीं होगा तो फिर बंद होंगे गेट्स, तो जा नहीं रहा है तो आई ठीक है, तो फिर नहीं जाते हैं। भाई साहब पता नहीं कहाँ से कहाँ से कहाँ हम लोग आ रहे हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, पर चले जा रहा है। ओके, तो ये हमारा भोजनालय का टाइमिंग है। भाई साहब हम लोग हम भूल गए हैं भूल भुलैया में, एग्जिट मिल ही नहीं रहा है। ये रहा जनानियों के लिए खाना खाने के लिए भोजनालय का प्लेस। देख ही लेते हैं क्या है पहले, नारगढ़ बाद में अब देख चलेंगे हम लोग।
यहीं पे तो आए थे भाई अभी। सो जस्ट एक्सप्लोरिंग। अरे ये वही है जनानी का खाना वाला। भाई साहब मेन पंगा क्या आ रहा पता नहीं, तो इस समय मेन पंगा क्या आ रहा है पता, हम लोग लॉस्ट हो गए है ना। नीतीश भाई क्या करना है, तो चलना कैसे, वापस कैसे जाना ये समझ में नहीं आ रहा। ललित मंदिर इधर दिख गए, जनाने का खाने के लिए दिख गए, सब कुछ मिल जा रहा है बट एग्जिट नहीं मिल रहा। तो हम लोग वैसे ही जा रहे हैं जैसे हम लोग आए थे, आई गेस वैसे ही है कि चलने के लिए, तो फिर से वैसे ही। तो हम लोग ये वाली लेंगे, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे वहाँ पे, और उसके बाद फिर उधर जाके फिर उधर जाएंगे, यानी कि जितना अभी हम लोगों ने आया उतना ही जाना होगा। हाँ क्योंकि यही होगा, जैसे आप आओगे वैसे ही जाओगे, अब ये थोड़ी ना कि पूरा गोल रहे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाओ। और ये भी एक सिस्टम रहता है बट बहुत सारे एग्जिट्स या बहुत सारे जगह जो है वो बंद पड़े हैं, तो इसलिए वो भी नहीं कर सकते हम लोग, तो इसलिए बस देखते हैं क्या करना है, अभी बहुत टाइम है अभी, तो चलो चलते हैं। वैसे जयपुर में ये सीन देख लिए, एक दिन में एक ही प्लेस घूमने लायक है, और प्रीफर्ड टाइमिंग जो आप लोग भी घूमना चाहोगे या प्रीफर्ड सीज़न, वो विंटर ही है भाई, बहुत गर्मी है, सच्ची बता रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है कुछ कहने को नहीं, दिमाग का ओझा हो रहा। तो ये पूरा हाँ पूरा घूम के हमें फिर से जाना है, वो आप देख रहे होंगे जहाँ से भी हम लोग आए, तो फिर से ये पूरा जाओ फिर घूमो फिर उसके बाद उधर से जाओ। तो ब्लॉक करते हैं अब यहीं पर एंड अबाउट। ये कौन सा गढ़ था भाई? जयगढ़ नाम ही बोल गया, तो जयगढ़ को एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अगर कुछ शॉर्ट रहा तो डाल देंगे। चलो टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हाँ ठीक है चुप भाई साहब, बहुत हुआ मतलब घूमने, अंदर जाने में तो सब कुछ इजी था बट बाहर आने में क्या हुआ कि हम लोग को एग्जिट ही नहीं मिल रहे थे, पैर बहुत तेज दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों, साथ बहुत ज़्यादा चल रही है यार, इस पेट का कुछ करना पड़ेगा, सच्ची बोल रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, फिर बाइक उठाते हैं, उसके बाद सीधा नारगढ़ में हम कैंपर वो तो नहीं घूमने वाले, बस बाहर का फोटोज लेके चले जाएंगे यार नारगढ़ में ना। तो भाई यहाँ पे ऐसे कैमल राइड होते हैं, तो भाई अब इधर आ गए हैं फोटो शूट करने के लिए, अच्छा लग रहा है व्यूज यार, तो सोचा रास्ते में रुक कर एक फोटो सेशन भी ले लिया जाए, फोटो शूट थोड़े बहुत, बाकी तो ये नारगढ़ के पास ही है तो रोड वही है, देख रहे हो आप लोग नज़ारे।